छोटा सा टॉपिक है रस का, इसको भी अपन कंप्लीट करते हैं। ध्यान से सुनेंगे रस और अलंकार क्या होते हैं। मैं सिर्फ आपका रिवाइज करा रहा हूँ एग्जाम के पर्पज से। तो पहले तो रस को सुनेंगे। रस की प्रॉपर डेफिनेशन क्या है? काव्य को पढ़कर सुनकर और देखकर जिस आनंद की अनुभूति हमें होती है, उसे हम रस कहते हैं। वैसे रस 9 प्रकार के हैं और मुख्य रूप से 10 रसों की संख्या 10 माने गए आचार्य विश्वनाथ के अनुसार। 10वां रस कौन सा है? वात्सल्य रस। कौन सा? वात्सल्य, यानी संतान स्नेह, यानी छोटे छोटे बच्चों का। ये रस किसने बनाया? सूरदास जी ने। ठीक है, कुछ लोग मानते हैं कि एक रस का भाग और मान सकते हैं भक्ति रस। कौन सा? भक्ति। ठीक है, समझाने के लिए आपको बता दें। ठीक है, वैसे रसों की संख्या 10 है। अब सुने बच्चे, स्टूडेंट, रसों के अंग होते हैं चार। रसों के अंग कितने हैं? चार। सबसे पहले कौन सा है? स्थाई भाव। कौन सा? स्थाई भाव। फिर स्थाई भाव लिखा हमने। फिर विभाव। कौन सा? विभाव। और उसके बाद अनुभाव। विभाव तीसरा, अनुभाव। और उसके बाद हमारा लास्ट में है संचारी भाव। कौन सा है? संचारी भाव। और इसी को हम क्या बोलते हैं? व्यभिचारी भाव। कौन सा? व्यभिचारी भाव। बहुत आसानी से हम समझते हैं। अब सुनो स्टूडेंट, ये तो रस हैं, रसों के अंग हुए। ये रसों के क्या है? अंग। अब हमें ये समझना कि होते क्या है, क्यों हम इनको पढ़ रहे हैं। तो सुनो, रस मतलब आप ऐसे समझो काव्य, यानी जैसे कि काव्यगत कोई चीज़ में जिसमें आनंद आए, तो काव्य को पढ़ करके सुन करके देख करके जो हमें आनंद मिले वही रस है। जीवन में जो हमें आनंद की अनुभूति होती है वही हमारा क्या है? रस है। अब स्थाई भाव, भाव मतलब, भाव का मतलब क्या है? हमारी फीलिंग्स। क्या है? फीलिंग्स यानी भावनाएं। तो बोल सकते हैं स्थाई भाव का मतलब ऐसी फीलिंग जो हमारे हृदय में, कैसी फीलिंग है? परमानेंट यानी स्थाई रूप से विद्यमान है। कैसे? स्थाई रूप से। ऐसी फीलिंग जो हमारे हृदय में परमानेंट हैं यानी स्थाई रूप से विद्यमान है, वो कौन सी हैं? स्थाई भाव। और ऐसे भाव जो स्थाई भाव को जागृत करे। यस बेटू, कम प्लीज सर, हिंदी याद नहीं हो रही, हिंदी याद करा दो। अरे देख, डांट के तो आया था, वीडियो बन गया। देखो विभाव, सुनो स्टूडेंट, विभाव। अब इसमें क्या रहेगा? हिंदी हो जाएगी आपकी। विभाव, विभाव में ए बोलेंगे। मैं इसको लिख रहा हूँ स्थाई भाव। स्थाई भाव को जागृत करने वाले भावों को ही बोलते हैं विभाव। और अनुभाव क्या होता है? यानी कैसे बोलेंगे? स्थाई भाव को जागृत करने वाले ही भाव को क्या बोलते हैं? हम विभाव। और अनुभाव क्या है? नायक नायिका के हाव भाव में, जेस्चर पोस्चर में, यानी कि हाव भाव में जो हमारे परिवर्तन होते हैं ना, उन्हीं को बोलते हैं हम अनुभाव। और संचारी भाव यानी टेम्पररी फीलिंग। टेम्पररी फीलिंग मतलब ऐसी भाव जो आते जाते रहते हैं। कैसे भाव? जो मन में आए फिर चले गए, यानी टेम्पररी। टेम्पररी समझ रहे हो? कुछ समय के लिए। बहुत बढ़िया, 6 वर्ष के लिए। टेम्पररी फीलिंग्स, ऐसे भाव जो कम समय के लिए रहते हैं यानी परिवर्तित हैं, वो हैं संचारी भाव। अनुभाव हाव भाव आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे ये राधा जी हैं और ये कृष्णा हैं। तो राधा और कृष्ण के बीच में बच्चे जो प्रेम है वो स्थाई भाव है, और जो प्रेम का अनुभव वो करते हैं वो है उनका विभाव। स्थाई भाव को जगाना राधा या श्री कृष्ण जी के मन में। और अनुभाव क्या है? हाव भाव। जैसे मान लो अगर श्री कृष्ण आए और राधा जी ने उनको देखा, तो उनको जो खुशी होगी या किस तरीके से वो खुशी को व्यक्त करते हैं वो इनके अनुभाव हैं, यानी इनकी हाव भाव। और संचारी भाव एक तरीके से, गजनी मूवी आपने देखी है कि घर जा रहे हैं रास्ता भूल गए,
इसी प्रकार से समझ सकते हैं, ऐसे भाव जो मन में परिवर्तित होते रहते हैं। ठीक है, ए हुए। अब रसों के प्रकार हैं 10, तो उनके मैं कुछ रस के नाम लिख रहा हूँ, आपको उनके स्थाई भाव का मुझे आंसर देना है। और कुछ रस का मैं उदाहरण दे रहा हूँ, तो रस सुने। सबसे पहले जो रस आता है कोई सा भी लिख लो, चलो करते हैं शुरुआत। सबसे पहले श्रृंगार, इसका क्या है स्थाई भाव? रति या प्रेम। ओके, फिर दूसरा हास्य, इसका क्या है? हंसी। क्या है? हंसी या हस, चलो हंसी लिखा। ठीक है, और तीसरा करुड़ या करुणा। ठीक है, करुड़ रस, इसका मतलब क्या है? शोक। फिर भयानक, और भयानक का क्या होता है? भय। क्या होता है? भय यानी फियर यानी डर। और फिर वीर, और वीर का होता है उत्साह। क्या होता है? उत्साह। ये क्या है? स्थाई भाव उत्साह है इसका। और फिर सिक्स नंबर पे आप मान लो अद्भुत, अद्भुत एकदम आश्चर्य कर देने वाला, तो इसका क्या होगा? आश्चर्य। ठीक है, फिर सेवन नंबर पे अपन लिख सकते हैं बीवस। कौन सा? बीवस, यानी जिससे हमें घृणा जैसी फीलिंग आने लगे, यानी कि जुगुप्सा या घृणा, उसको बोलेंगे अपन बीवस रस। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा रौद्र। रौद्र बोले तो क्रोध, इसका स्थाई भाव क्या है? क्रोध। फिर नाइन नंबर का शांत, और शांत का क्या होगा स्टूडेंट्स? निर्वेद। क्या होगा? निर्वेद। और टेन नंबर पर है बात्सल्य। कौन सा है? बात्सल्य। और इसमें होगा संतान स्नेह। अब मैं इनका सेंस आपको समझा रहा हूँ, आप समझने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट। श्रृंगार रस का क्या है? रति या प्रेम। ठीक है, लेकिन श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं, एक होता है संयोग, एक होता है वियोग। जब नायक नायिका मिलते हैं तो संयोग रस है, और बिछड़ेंगे तो वियोग है। जैसे राम का रूप निहारती जानकी के कंगन के नंग की परचाई, या तो सुधी सब भूल गई देख रही पर टारत नहीं, तो यहाँ ये संयोग है। और वियोग जहाँ पर वो बिछड़ते हैं, तो वियोग रस का उदाहरण। इसी प्रकार से आप समझ सकते हो स्टूडेंट हास्य रस, जहाँ आपको सुन करके काव्य को पढ़ करके हंसी आए। तो हमें लिखना कैसे एग्जाम वो सुनो, बहुत सिंपल लैंग्वेज, एक ही लैंग्वेज है उसी को लिखना है। जैसे सह हृदय के हृदय में स्थित हंसी नामक स्थाई भाव का जब विभाव अनुभाव और संचारी भाव से संयोग होता है, वहाँ पर कौन सा रस होता है? हास्य रस। ठीक है, आगे सुनो। भयानक का भय, जहाँ किसी चीज़ को देख के हमें डर लगने लगे। हादसे में जैसे फादर ने सिलवा दिए दो पैंट चार कोट, या मेरा बेटा बन गया कॉलेज स्टूडेंट, आप कुछ भी बोल सकते हो। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी की चम्मच से चटनी चटाई, जो भी हो कुछ भी हो चलेगा। करुण यानी शोक, यहाँ पर दुख के भाव व्यक्त होते हैं, जैसे किसी अपने प्रिय वस्तु को अपन खो दें, या किसी प्रिय व्यक्ति या वस्तु को जिसका दुख होता है वेदना होती है उसको बोलते हैं करुण। जैसे प्रिय प्राण प्रिय मेरा प्रिय कहाँ है, या दुख जल निधि में डूबी मेरा प्राण प्रिय कहाँ है, ऐसा कोई भी। या अभी तो मुकुट बांधा था लाल, अभी तो हुए थे पीले हल्दी के हाथ। वीर रस, जिसको सुनकर हमारे अंदर जोश और उत्साह उत्पन्न हो जाए, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेलो हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। अद्भुत आश्चर्य एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जिसको देख करके कन्फ्यूज हो जाए, जैसे सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है, समझ में नहीं आ रहा कि साड़ी के बीच में साड़ी, साड़ी का मतलब यहाँ साड़ी है नॉट साली। ठीक है, तो साड़ी के बीच नारी है या नारी के बीच साड़ी है, समझ में नहीं आ रहा, तो अद्भुत है। जैसे बिन पद चले सुने बिन काना, बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी, तो बिना मतलब पैरों के भी चल रहा है, कान नहीं है फिर भी सुन रहा है। बीबस यानी जुगुप्सा या घृणा, इसमें ऐसे सिर पर बैठा काग आंख दो ही नकारत, ए हेट वाला यानी जुगुप्सा वाला घृणा वाला। रौद्र यानी क्रोध, कैसे बोलेंगे? जब क्रोध नामक स्थाई भाव का विभाव अनुभाव संचारी भाव से संयोग होता है, तो वहाँ रौद्र है।
रस होता है। जैसे श्री कृष्ण के सुन वचन, अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल करके कर्तव्य युगल मलने लगे, ठीक है। फिर आता है शांत रस, शांत यानी निर्वेद। इसका उदाहरण है राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। यहाँ पर कबीरदास जी का बहुत सुंदर दोहा है कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। एक और दे सकते हैं हम इसी में, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को या शीघ्र सारे अवगुणों को दूर हमसे कीजिए। किस तरीके से, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे अवगुणों को दूर हमसे कीजिए। बासल रस, संतान स्नेह। इसका उदाहरण हो सकता है बच्चों, एक तो ये हो सकता है ठुमक 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 या ठुमक चलत राम चंद्र, ये इसका उदाहरण है किसका स्टूडेंट, संतान यानी बासलर्स का। या फिर बोल सकते हैं यशोदा हली हरी पालने झुलावे। इसके बाद हैं हमारे